من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي يوم القيامة وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي رواه مسلم في كتاب الفضائل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اس اجلاس کے صدر شیخ نظام الدین مدنی حفظہ اللہ اس اجلاس کے کرانے والے معزز اراکین اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر معقر علماء کرام معزز سامعین حضرات پردہ نشین اسلامی خواتین ماں اور بہنوں قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں عزیز بچوں تھاپا صاحب سے ابھی آپ نے علم کے تعلق سے چند منٹ قیمتی باتیں سنی ہیں انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ آدمی کچھ کم کھا لے
लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाए ज़रूर। इसमें कोई शक नहीं है कि इल्म बहुत बड़ी दौलत है। अगर इस्लाम की स्टडी की जाए तो इस्लाम ने हुसूल इल्म को फ़र्ज़ करार दिया है, जैसे नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है। साहिब इस्तेताअत होने पर ज़कात फ़र्ज़ है। उसी तरीके से हर इंसान पर इल्म भी फ़र्ज़ है। तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुस्लिम पर इल्म का हुसूल ज़रूरी है। इल्म की अहमियत का अंदाज़ा आपको ख़ुद वजदान से होगा। वजदान का मतलब ये होता है कि आप ख़ुद से उसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसी पढ़े लिखे इंसान से आप कहें कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, तो कितना खुश होगा। लेकिन किसी जाहिल इंसान से भी, जिसने कभी स्कूल या इस मदरसा न देखा हो, अगर आप उससे भी कहें कि आप तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोग बातें नहीं कर पाएंगे, माशाल्लाह आप तो काफ़ी पढ़े लिखे लग रहे हैं, तो वो भी खुश हो जाएगा। जबकि उसने एक दिन स्कूल में पढ़ा नहीं है, लेकिन कैफियत देखिए। अगर आप उसको कहेंगे यार क्या यार, पढ़ा लिखा आदमी भी ऐसी बात नहीं करेगा जैसे आप बात करते हैं, कितने पढ़े लिखे लग रहे हैं आप, तो अंदर ही अंदर खुश होगा। लेकिन किसी जाहिल को भी आप जाहिल कहकर देख लीजिए, आप कहकर देखिए है अनपढ़ है, गंवार है, जाहिल कहेगा। हालांकि वो जाहिल है, अनपढ़ है, गंवार है, लेकिन लफ्ज़ अनपढ़ अपने लिए बर्दाश्त नहीं करेगा, गंवार अपने लिए बर्दाश्त नहीं करेगा, जाहिल का लफ्ज़ अपने लिए बर्दाश्त नहीं करेगा। जबकि आप हकीकत बोल रहे हैं, जाहिल कहेंगे लेकिन बर्दाश्त नहीं करेगा। फौरन जवाब में कहे तू जाहिल, तेरा बाप जाहिल, तेरा ख़ानदान जाहिल, बक मुझको जाहिल बोलता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिहालत ख़ुद जाहिल को भी बर्दाश्त नहीं है, जिहालत ख़ुद जाहिल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि उसकी निस्बत जिहालत की तरफ की जाए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब जहल की निस्बत जाहिल ख़ुद अपनी तरफ मंसूब करना गवारा नहीं कर रहा है, तो जहालत कितनी बुरी चीज़ है। अल्लाह ताला हमें अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की तौफीक अता फरमाए। इल्म कोई बुरा नहीं है, हर इल्म मुफीद है, लेकिन उसका इस्तेमाल अगर आप सही करते हैं तो आप इंग्लिश में माहिर बनिए, एक्सपर्ट बनिए, साइंस पढ़िए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, कुरान ने कहीं नहीं रोका आपको, लेकिन उसका इस्तेमाल सही होना चाहिए। ज़बान बुरी चीज़ नहीं है, इसका इस्तेमाल इस ज़बान को अच्छा या बुरा बनाता है। अगर आप इस ज़बान से किसी से मीठी गुफ्तगू करते हैं तो ये ज़बान अच्छी चीज़ है। इस ज़बान से अगर आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर का विर्द करते हैं तो ये ज़बान अच्छी चीज़ है। इस ज़बान से अगर किसी को तकलीफ़ पहुंचती है तो ये ज़बान बुरी चीज़ है। इस ज़बान से अगर आप गाली देते हैं तो ये ज़बान बुरी चीज़ है। छुरी बनाने वाले ने छुरी किसी इंसान का मर्डर करने के लिए नहीं बनाई है। अगर आप इस छुरी से सब्जी काटते हैं तो अच्छी चीज़ है, फल फ्रूट काटते हैं तो अच्छी चीज़ है, लेकिन इसी छुरी से अगर आप किसी नाजायज़ और किसी नाहक इंसान का मर्डर करते हैं, नाहक बिना किसी गलती के,
उसको जख्मी करते हैं तो यही छुरी बुरी चीज है। बजाते खुद छुरी बुरी चीज नहीं है, उसका इस्तेमाल उसको अच्छा या बुरा बना देता है। इल्म कोई बुरा नहीं है। हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, उर्दू पढ़िए, अरबी पढ़िए, साइंस पढ़िए, टेक्नोलॉजी पढ़िए, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, कुछ भी पढ़िए, इल्म कोई बुरा नहीं है। उस इल्म का इस्तेमाल उस इल्म को अच्छा या बुरा बना देता है। मौलवी बनने के बाद आप दूसरों की जेबों पर डाके डालते रहें तो यही इल्म बुरा है। इल्म हासिल करने के बाद आपका मदरसा ही नहीं, झूठी फर्जी रसीदें छपवा कर आप पूरे हिंदुस्तान में चंदा करते फिरें कि मेरा मदरसा चल रहा है, 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, और जबकि मदरसा है ही नहीं, तो यही इल्म बुरी चीज है। इल्म कोई बुरा नहीं है, उसका इस्तेमाल उस इल्म को अच्छा या बुरा बना देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ऐसा इल्म अता फरमाए जो हमारे लिए नफा बख्श हो, फायदेमंद हो। मुझे पाकिस्तान लाहौर की वो मीटिंग याद आती है, वहाँ कुछ गैर मुस्लिम जब इस्लाम लाए तो लाहौर के अंदर एक जलसे में, कॉन्फ्रेंस में कुछ सवाल जवाब की जब मीटिंग हुई तो उसमें कुछ नॉन मुस्लिम ने जो इस्लाम नए लाए थे उन्होंने ये सवाल किया था उलमा से कि ये बताइए कि कुरान का तर्जमा जब आपने आज हमारी ज़बान में किया है तो हमने इसको पढ़ा और इसको पढ़कर हम इस्लाम ले आए, जब तक हमारी ज़बान में इस कुरान का ट्रांसलेट नहीं हुआ था हम नहीं जानते थे, जब हुआ पढ़ा इस्लाम लाए, हम तो संभल गए, हम तो इस्लाम ले आए, लेकिन हमारे बाप दादा जो हालत कुफ्र में मर गए हैं, हमारे बाप हमारे माँ बाप जो कुफ्र की हालत में मर गए हैं, वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि उन तक तो कुरान का तर्जमा पहुंचा ही नहीं था, अरबी जबान में था, वो अरबी नहीं जानते थे। सारे मौलवियों के पास इसका जवाब नहीं था, क्या जवाब देते? भाई जब आपने हमारी लैंग्वेज में हमारी जबान में जब तर्जुमा किया ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं, हमारे माँ बाप ने बगैर पढ़े हुए और बगैर तर्जुमा जाने हुए जब उनकी जबान में उनकी लैंग्वेज में जब कुरान का ट्रांसलेट नहीं हुआ तो वो नहीं पढ़ सके और मर गए, वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में? आज तर्जमा आपने हमारी जबान में किया है तो हमने पढ़ा और इस्लाम को समझा और इस्लाम ले आए, लेकिन मेरे माँ बाप कहाँ जाएंगे? क्या जवाब था? तो अगर इंग्लिश, हिंदी और दूसरी ज़बानें अगर नहीं सीखी जाती तो कुरान का तर्जमा आज दूसरी ज़बानों में कैसे होता? इस कुरान को हमें तमाम लोगों तक पहुंचाना है, कैसे पहुंचाएंगे जब तक आप उनकी ज़बानों को नहीं सीखेंगे? एक जंग हुई थी, उसमें बहुत से काफिर पकड़े गए, माल फिदिया देकर छोड़ दिया गया, 15 काफिर ऐसे रह गए कि जिनके पास माले फिदिया नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नहीं छोड़ा क्योंकि उनके रिश्तेदारों के पास इतना माल नहीं था कि वो माल देकर अपने रिश्तेदारों को छुड़ा ले जाएं। 15 ऐसे लोग थे जो अबरानी जबान जानते थे लेकिन उनके पास माल नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस शर्त पर छोड़ दिया कि तुमको हम छोड़ेंगे, तुम्हारे घर वालों के पास माल नहीं है, लेकिन तुम में से हर एक आदमी मेरे 10 सहाबा को अबरानी जबान सिखाएगा, अबरानी जबान सिखाएगा। उन 15 काफिरों ने 150 सहाबा को अबरानी जबान सिखाई, एक ने 10 को, तो 15 ने कितने को सिखाई? 150। तो अल्लाह के रसूल ने शर्त लगाई, हम छोड़ देंगे तुम्हें, तुम जाओ अपने इलाके में, लेकिन हमारे एक आदमी मेरे 10 सहाबा को अबरानी जबान सिखाएगा। तो 15 काफिरों ने 150 सहाबा को अबरानी जबान सिखाई, जब वो अबरानी जबान सीख गए तो अल्लाह के रसूल ने 150 सहाबा को उस बस्ती में भेज दिया जहां लोग अरबी नहीं जानते थे और अबरानी जबान जानते थे कि जाओ अब तुम उनकी जबान में उनको इस्लाम की दावत दो, उनकी जबान में उनको इस्लाम पहुँचाओ और उनको बताओ कि इस्लाम क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह के नबी ने उनसे माल नहीं लिया, सोना नहीं
लिया, चांदी नहीं ली, बल्कि क्या कहा, एक आदमी मेरे 10 सहाबा को अपनी भाषा अपनी जबान सिखाए, यानी पढ़ाए, यानी गैर मुस्लिम से भी पढ़ा जा सकता है, जायज है, गैर मुस्लिम से तालीम हासिल करने के लिए इस्लाम मना नहीं करता है, अगर उसका मकसद अच्छा हो कि हम पढ़ने के बाद और इस भाषा को इस लैंग्वेज को सीखने के बाद हम इस्लाम की दावत और तबलीग उस मज़हब के लोगों में करेंगे जो ये ज़बान जानती है। हमारे नीयतें अच्छी होनी चाहिए, हमारा उस इल्म से हमें फ़ायदा हासिल करना चाहिए। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कभी मैं बोलता बोलता नहीं हूँ क्योंकि 12 बजे 11 बजे टाइम मिलता है तो इल्म के ऊपर क्या बोलूँ, लेकिन आज थापा साहब की बातें सुनकर इतनी सी बातें मेरे जहन में आई तो मैंने आपके सामने रख दिया। मेरे भाइयों, ज़रूरी है, मैंने कुरान करीम की जो आयत आपके सामने पढ़ी है उस आयत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम बताया गया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रहमाउ बैनहुम। मुझे आगे वाली आयत से अभी कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि अल्लाह ताला ने यहाँ तीन चीज़ें बताई हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये क्या है, तीन चीज़ों पर मुश्तमिल एक जुमला है, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। पहली चीज़ इसके अंदर ये बताई गई कि आखिरी नबी का नाम क्या है, मुहम्मद। दूसरी चीज़ ये बताई गई कि आपकी पोस्ट क्या है, आपकी डिग्री क्या है, आपका ओहदा क्या है, आपका मनसब क्या है, क्या है आपका मनसब, रसूल है। नाम क्या है, मोहम्मद। पोस्ट मनसब क्या है, आप रसूल हैं। और तीसरी चीज़ ये बताई गई कि आप ये पोस्ट ये डिग्री ये मनसब ये ओहदा दिया किसने हैं, अल्लाह ने। किसके रसूल हैं आप, अल्लाह के। बहुत ही माजरत के साथ दुनिया में जितने भी बुज़ुर्ग आए हैं उनको अल्लाह ने बुज़ुर्ग बनाकर नहीं भेजा। मौलाना जर्जी साहब के सामने बोल रहे हैं, मुझे अल्लाह ने मौलाना बनाकर नहीं भेजा, मुझे मेरे माँ बाप ने मौलाना बनाया और मेरे असातिज़ा ने पढ़ाकर मुझे मौलाना बनाया। हम अल्लाह के मौलाना नहीं हैं। दुनिया में जितने भी बुज़ुर्ग आए वो बुज़ुर्ग इंसानों ने बनाए, मसलन अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, दुनिया में जितने भी बुज़ुर्ग आए ये बुज़ुर्ग थे, मैं मानता हूँ तस्लीम करता हूँ, लेकिन इनको ये नहीं कहा जाएगा कि अल्लाह ने बुज़ुर्ग बनाया, इनको हमने और आपने बुज़ुर्ग बनाया इनकी काबिलियत की बुनियाद पर। लेकिन मोहम्मद को रसूल किसने बनाया, अल्लाह ने। समझ रहे हैं, इस चीज़ को जहन में रखिए, मेरी पूरी तकरीर इसी पर डिपेंड करेगी। ये समझ गए तो तकरीर समझ में आ जाएगी, ये नहीं समझे तो समझ लो कि मैं भैंस के सामने बीन बजा रहा हूँ और 10 मिनट के बाद आप यहाँ से उठ उठ के भागने लगेंगे क्योंकि समझ में फिर नहीं आएगा। दुनिया में जितने बुज़ुर्ग आए उनको बुज़ुर्ग किसने बनाया, हमने और आपने इंसानों ने, और मोहम्मद को रसूल किसने बनाया, मोहम्मद को बुज़ुर्ग किसने बनाया, अल्लाह ने। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इंसान जब किसी इंसान को मनसब देता है, इंसान जब किसी इंसान को डिग्री देता है, इंसान जब किसी इंसान को पोस्ट देता है, इंसान जब किसी इंसान को किसी मनसब पर फाइज करता है तो बनाने वाले इंसान से भी गलती हो सकती है और जिसको बनाया जा रहा है उससे भी गलती हो सकती है। जिसको आपने बुजुर्ग बनाया हो सकता है वो गलती कर जाए और आप भी गलती बनाने में कर सकते हैं। मसलन
2014 में आपने किसी को वोट दिया, फिर 2019 में भी किसी को वोट दिया, आज पछता रहे, काश हमने वोट ना दिया होता तो अच्छा होता। क्यों? आपने बनाया, किसी को भी बनाया, नाम नहीं, समझदार हैं यहां सारे लोग। बाद में एहसास हो रहा है कि हमसे बनाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, तो बनाने वाला भी गलत हो सकता है और जिसको बनाया जा रहा है वो भी गलत हो सकता है, क्योंकि जिसने बनाया वो भी इंसान, जिसको बनाया वो भी इंसान। लेकिन जब अल्लाह किसी को बड़ा बनाता है, अल्लाह किसी को बुजुर्ग बनाता है, तो बनाने वाला गलती नहीं कर सकता, और जिसको बनाया बड़ा बुजुर्ग वो भी गलत नहीं हो सकता। इसलिए मासूम अनिल खता, गलतियों से पाक अगर कोई जात होती है तो वो रसूल की जात होती है, नबी की जात होती है, यानी वो गलती नहीं करती है। मासूम अनिल खता, गलतियों से पाक अगर कोई है तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कि अगर वो दुनिया में कोई गलती करेंगे तो अल्लाह जिब्राइल को भेजकर, फरिश्ते को भेजकर उसकी इस्लाह कर देता है, नहीं आपने ये गलत किया, बट इस्लाह हो जाती है। तो बनाने वाला अल्लाह जब किसी को बड़ा बनाता है तो बनाने वाला गलत नहीं हो सकता, और जिसको बनाया गया वो भी गलती नहीं कर सकता। इसलिए इस अकीदे को अपने जहन में रखिए, हमने जिनको बुजुर्ग बनाया, चाहे वो अबू हनीफा हो, इमाम शाफई हो, इमाम मालिक हो, अहमद इब्ने हंबल हो, या एक्स वाई जेड कोई भी बुजुर्ग हो, उससे इंसान होने के नाते से गलती हो सकती है, लेकिन अल्लाह ने जिसको बुजुर्ग बनाया है वो गलती नहीं कर सकता है, क्योंकि इन बुजुर्गों को बुजुर्ग हमने बनाया है और मोहम्मद को बुजुर्ग अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह जिसको बुजुर्ग बनाता है वो गलती नहीं कर सकता है, पहली चीज जहन में रखिए। दूसरी चीज ये जहन में रखिए, इंसान जब किसी इंसान को बड़ा बनाता है तो उससे भूल चूक हो सकती है। आज से 10 साल पहले मैंने, मेरे उस्ताद ने मुझे क्या पढ़ाया आज मुझे याद नहीं है, आज हमने किसी बच्चे को सबक याद कराया, कल सुन रहा हूं तो आधा याद है आधा भूल गया, कल मैंने 2 घंटे तकरीर की, क्या की, आज आधी याद है आधा मैं भूल गया, और कल जिन लोगों ने सुना था उनसे पूछूं मैं क्या बोला तो उनको भी कुछ बातें याद होंगी और बहुत सी बातें भूल गए होंगे। ये इस बात की अलामत है, इंसान जब इंसान को पढ़ाता है तो उसका पढ़ाया हुआ उस्ताद भी भूल सकता है, और उस्ताद जिस बच्चे को पढ़ा रहा है वो भी भूल सकता है, पढ़ाने वाले से भी भूल चूक हो सकती है और जिसको पढ़ा रहा है उससे भी भूल चूक हो सकती है। लेकिन जब अल्लाह किसी को पढ़ाता है तो उससे भूल चूक नहीं हो सकती, और जिसको पढ़ा रहा है वो भी सबक भूल नहीं सकता। इसीलिए कुरान ने कहा है सनुकरीउका फला तंसा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। सनुकरीउका फला तंसा, जब फेले मुजारे पर सीन दाखिल हो जाए तो उसको करीब के, करीब के माना में, मुस्तकबिल करीब के माना में कर देता है। सनुकरियू का फला तंसा, अन करीब हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। और हकीकत में अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को जो पढ़ाया, अल्लाह ने नबी अकरम को जो पढ़ाया, वो सबक ना नबी भूले। और आज नबी अकरम इस दुनिया से गए हुए 1400 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, नबी अकरम की पढ़ाई हुई बातें आज भी मुसलमान याद रखे हुए हैं, और कयामत की सुबह तक ये सबक याद रखा जाएगा। कुरान जो अल्लाह ने नबी को पढ़ाया, ये कुरान न तो नबी भूले न हम भूले, और न कयामत तक ये कुरान को भुलाया जा सकता है। ये फर्क होता है इंसान के द्वारा बनाए हुए बड़े इंसान में और अल्लाह के जरिए बनाए हुए किसी बड़े बुजुर्ग में। तो याद रखिए, अल्लाह ने नबी को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को बड़ा बनाया है। तो मोहम्मद किसके रसूल हैं? अल्लाह के। 3 चीज़ें, नाम मोहम्मद, ओहदा रसूल, और ये रसूल किसने बनाया? अल्लाह ने। ये 3 चीज़ें, यहाँ नाम आया मोहम्मद। कुरान करीम की एक दूसरी आयत पढ़िए, वहाँ अल्लाह के नबी का एक और नाम आया, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ। आए ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी कौम से, आए
और जब ईसा ने कहा वइस काल ईसा बिन मरियम, मरियम के बेटे ईसा ने, या बनी इसराइल, आ इसराइल के बेटो, आए कौम बनी इसराइल, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का पैगंबर बनाकर भेजा गया हूं, मुसद्दिकल लिमा बैना यदय्य मिन तौरात, मुझसे पहले जो किताब नाजिल की गई थी, अल्लाह ने उतारी थी तौरात, ओल्ड टेस्टामेंट में उसकी तस्दीक करता हूँ, मैं उसको सच्चा मानता हूँ, जो मूसा को किताब दी गई थी मैं उसकी पुष्टि करता हूँ, वो मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और मैं तुम्हें शुभ समाचार देता हूँ, गुड न्यूज देता हूँ, अच्छी खबर देता हूँ, एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा उसका नाम अहमद होगा, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। इस आयत के अंदर वैसे तो बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं, हर एक चीज़ पर हम नहीं चाहेंगे। पहली चीज़ ये बताई गई, ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने से पहले आने वाली किताब तौरात का इकरार किया है कि वो भी आसमानी किताब थी, और एक ऐसे रसूल की बशारत दी जो उनके बाद आएगा, यानी ईसा के बाद आएगा, जीसस के बाद आएगा, और उसको क्या बताया, इस्मुहु अहमद, उसका नाम क्या होगा, अहमद होगा। कुरान में ये नाम आया है अहमद, मोहम्मद और अहमद, ये दो नाम स्पष्ट हैं, जाहिर हैं। एक हदीस मैंने पढ़ी थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस हदीस के अंदर जो मुस्लिम किताबुल फजाइल के अंदर मौजूद है, हजरत जुबैर इब्न मुतइम उस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये कहते हुए सुना, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नली अस्माअन, मेरे चंद नाम हैं। इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल के कुछ नाम आए हैं, चंद नाम, इन्नली अस्माअन, मेरे कई एक नाम हैं, इन्नली अस्माअन, पहला नाम अना मुहम्मदुन, मेरा एक नाम मोहम्मद है, वह अना अहमदु, और मेरा एक दूसरा नाम अहमद है, वह अनल माही, और मेरा एक नाम माही है, माही का मतलब मिटाने वाला, नष्ट करने वाला, तो अल्लाह क्या मिटाएगा, यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, अल्लाह मेरे जरिए, मेरे द्वारा नास्तिकता को, कुफ्र को मिटाएगा, गुनाह को मिटाएगा, वह अनल हाशिर, मेरा एक चौथा नाम हाशिर है, जमा करने वाला, इकट्ठा करने वाला, युहशरुन नास वाला कदमैया यौमल क़यामा, क़यामत के दिन तमाम लोग मेरे कदमों के तले, मेरे पैरों के पास, मेरे इर्द गिर्द जमा किए जाएंगे, इकट्ठे किए जाएंगे, वह अनल आक़िब, और मेरा पाँचवा नाम आक़िब है, आक़िब का माना क्या होता है, बाद में आने वाला, आक़िब सबसे लास्ट में आने वाला, वल आक़िबुल लज़ी लैसा बादहु नबियुन, मैं सबसे बाद में आया हूँ और मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। ये अल्लाह के रसूल ने चंद नाम बताए हैं, इसमें पहला नाम मोहम्मद। अब देखिए मोहम्मद की मीनिंग क्या होती है, बहुत आसान है, एक एक चीज़ की बारीकी पे चलिए। अब नाम आया, पांच नाम बता दिए, अब एक, अब मोहम्मद, मोहम्मद का माना क्या होता है, हम्मद युहम्मिदु तहमीद, जिसका माना होता है तारीफ करना, और मोहम्मद बाबे तफ़ईल से ऑब्जेक्ट है, इसमें मफ़ूल है, अल्फाज की ज़्यादती, माना की ज़्यादती पर दलालत करती है, हमीदा यहमद तारीफ करना, और मोहम्मद युहम्मिदु बहुत ज़्यादा तारीफ करना, और मोहम्मद जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, मीनिंग देखिए, मोहम्मद जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ के पेट से पैदा बाहर आए, पैदा हुए, तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम रखा सातवें दिन मोहम्मद, और माँ ने नाम रखा अहमद, दादा ने नाम रखा मोहम्मद, पूरा अरब का इलाका चौंक गया, ये नाम अब्दुल मुत्तलिब ने रखा मोहम्मद, जिसका माना बहुत ज़्यादा तारीफ किया हुआ, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। हकीकत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की कायनात में सबसे ज्यादा, अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लिया गया और सबसे ज्यादा किसी की तारीफ की गई, तो वो हस्ती है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मोहम्मद।
नाम देखिए जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। अरबी में मोहम्मद, इसको संस्कृत में अगर हम तर्जमा करें संस्कृत में, तो इसको हम ले जाएंगे संस्कृत में कहा जाएगा नराशंस। नर के माना इंसान व्यक्ति, और आशंस के माना जिसकी बहुत प्रशंसा की गई हो। नर आशंस दो जुमलों से, दो शब्द से मिलकर बनेगा, नर प्लस आशंस मिलाएंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, नराशंस। जिसकी बहुत प्रशंसा की गई हो यानी मोहम्मद, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। अब वेदों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नराशंस कहा गया है। इदं जना उपश्रुतो नराशंसिस तश्विष्यते षष्टिम सहस्त्रानवीतम च कौरम अरुष्मेधु ददमहे। इससे ज्यादा स्पष्ट कोई मंत्र हो ही नहीं सकता जिसने मोहम्मद को नराशंस की शक्ल में पेश कर दिया। सिर्फ लैंग्वेज अलग है, जबान अलग है, लेकिन चीज एक ही है। और एक एक लफ्ज पर गौर कीजिएगा। इदम हरफे निदा, आए इदम, आए जना इदम जना। एक शब्द की मीनिंग में कहीं गलती हो तो पूरी इजाजत है, केस कर सकते हैं आप हमारे ऊपर। इदम आए जना, जनता लोगो, गोया कि अरबी में अगर कहना हो आए लोगो तो उसके लिए क्या कहा जाएगा, या अय्युहन्नास, आए इंसानो, हाय लोगो। इदम जना आए लोगो, उप शुरु, गौर से सुनो, उप शुरु, उप मानी नीचे, श्रुत मानी कानों के नीचे सुनना, कानों के नीचे सुनो, क्या मतलब हुआ, कभी कभी आप बोलते हैं ना लगाएंगे थप्पड़ कान के नीचे, तो कान के नीचे लगाने का मतलब क्या, जोरदार। उप मानी नीचे, बोलते हैं ना मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के नीचे, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री के नीचे, अध्यक्ष सदर प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष, उप अध्यक्ष मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के नीचे, तो उपमानी नीचे, श्रुत कानों के, कानों के नीचे सुनो मतलब गौर से सुनो। और कोई चीज़ जब ये कहा जाए गौर से सुनो तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इदम जना उपश्रुत, आए लोगों गौर से सुनो, नराशंसिस तश्विष्यते, इस विश्व में इस दुनिया में नराशंस आएंगे, नराशंस आएंगे, जिनकी इतनी प्रशंसा होगी इस तश्विष्यते कि पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी की प्रशंसा न होगी, उनकी इतनी तारीफ होगी कि उनसे ज्यादा पूरे विश्व में फिर किसी और की प्रशंसा, किसी और की उनसे ज्यादा तारीफ न होगी, उनसे अधिक किसी और की प्रशंसा न होगी। क्या रह गया, पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी और का नाम ही नहीं होगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम कितना है आपको आइडिया नहीं है, पूरे विश्व में कितना नाम लिया जा रहा है आपको पता नहीं है। वजू बनाइए, बिस्मिल्लाह, क्या पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह, वजू बनाकर ख़त्म होंगे, फारिग होंगे, क्या पढ़ेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन, नबी का नाम लिया जा रहा है। अजान के बाद की दुआ में क्या है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावती तामा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदन अल वसीला वल फजीला। अल्लाह के नबी का नाम लिया जा रहा है, आति मुहम्मदन अल वसीला, मुहम्मद कितना नाम लिया जा रहा है नबी अकरम का। वजू के बाद की दुआ में नबी का नाम, अजान के बाद की दुआ में नबी का नाम। अजान कितनी हो रही है इस वक्त मेरी घड़ी में, 11:30 हो रहे हैं,
रात के 11:30 इस वक्त भी कहीं ना कहीं दुनिया के किसी न किसी कोने में फजर का वक्त होगा और वहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा होगा। अशहदु अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर दुनिया के किसी कोने में फजर हो रही होगी तो इसी दुनिया में कहीं ना कहीं जोहर का वक्त भी होगा, कहीं ना कहीं असर का वक्त भी होगा, कहीं ना कहीं मगरिब का वक्त भी होगा और कहीं ना कहीं ईशा का वक्त भी होगा। फिर एक मिनट के बाद उसके मुत्तसिल शहर में टाइम होगा, फिर एक मिनट के बाद कहीं और होगा, फिर एक सेकंड और दो सेकंड के बाद किसी और जगह होगा। इस रूटीन के हिसाब से देखा जाए तो पूरी दुनिया में एक सेकंड भी ऐसा नहीं जाता कि जिस सेकंड में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम न लिया जा रहा हो। अशहदु अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह, नबी का नाम। हिंदू भाई राम को भगवान का दर्जा देते हैं, कृष्ण जी को भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन देखो उनका नाम कितना लिया जा रहा है। इंडिया और श्रीलंका के अलावा और नेपाल के अलावा मुझे बता दो कि दुनिया के किस खित्ते में उनका नाम लिया जाता है। हिंदुस्तान और श्रीलंका, नेपाल भी जोड़ लो, इसके अलावा बताइए कहाँ नाम लिया जा रहा है। और वो भी कब, जब कोई मोटरसाइकिल से गया, चलते चलते गिर गया, चोट लगी, तब कहता हाय राम, बस तब राम को याद किया जा रहा है। या उसका बच्चा फर्स्ट डिवीजन से हरे राम, तब नाम लिया जा रहा है। यहां वजू के बाद नाम, अजान के बाद नाम, अजानों में नाम, हर वक्त नाम। अल्लाहु अकबर कहकर अगर हमने नमाज शुरू कर दी, कोई सेकंड कोई मिनट ऐसा नहीं जाता कि दुनिया के किसी न किसी हिस्से में नमाज ना हो रही हो। अगर आप अल्लाह का नाम लेते हैं तो आपको नमाज ख़त्म करने से पहले अत्तहियात में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा, अशहदु अन्न मोहम्मद अब्दुहु व रसूलुह। नमाज में सलाम फिरने से पहले आपको दरूद पढ़ना पड़ेगा और दरूद में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद। गौर कीजिए कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना नाम लिया जा रहा है। तखय्युल की शाहराह पर थोड़ी देर के लिए सवार होकर देखिए तो आपको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम एक एक मिनट में, एक एक सेकंड में लेता हुआ नजर आएगा। दुनिया के हर चप्पे में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा है। जो नाम है मोहम्मद, जिसका माना हुआ बहुत तारीफ किया हुआ, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, और वेदों ने जिसको नराशंस बताया है कि जिसकी इतनी प्रशंसा होगी कि पूरे विश्व में उनकी, उनसे ज़्यादा किसी की नहीं होगी। वास्तविकता यही है, हकीकत यही है कि उनसे ज़्यादा किसी की तारीफ नहीं हो रही है। मखलूक में, सृष्टि में, इंसानियत में सबसे ज़्यादा अगर किसी का नाम लिया जा रहा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का। देख लीजिए, षष्टिम सहस्त्रा नवीतम चक्रम अरुष्मे धूदत्महे। षष्टिम 60, सहस्त्रा हजार, कितना हो गया 60,000। मीनिंग देखिए, षष्टिम 60 संस्कृत में, षष्टिम सहस्त्रा, सहस्त्रा मानी हजार, षष्टिम सहस्त्रा 60,000, नवीतम 90, कौरम दुश्मन अरुष्मेधु हिफाजत करेंगे उनसे हम उनकी। षष्टिम सहस्त्रा नवीतम च कौरम अरुष्मेधु तत्महे। कौरम मुहाजिर, हिजरत करने वाला, हम उस मुहाजिर की 60,000 90 दुश्मनों से उसकी हिफाजत करेंगे। ये अथर्ववेद का कांड 20 सूक्त 127 का पहला मंत्र कह रहा है, मैंने हवाला भी दे दिया। अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 का मंत्र नंबर 1, कितने दुश्मन होंगे उनके 60,000 90,
और वेद क्या कह रहा है अथर्ववेद, हम उनको 60,090 दुश्मनों से उस मुहाजिर की हिफाजत करेंगे, उससे उनकी रक्षा करेंगे। अरब की कैपेसिटी, अरब की हालत, अरब की कैटेगरी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मनों की गिनती भी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। जंगे खैबर में 10,000 का लश्कर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिटाना चाहता था और आपके सहाबा को, गिनती याद रखिएगा, जंगे खैबर में कितने, 10,000 दुश्मनी मिटाना चाहता है, और जंगे खंदक में 10,000 काफिरों का लश्कर जो 3,000 निहत्ते मुसलमानों पर हमला करके उनको मिटाना चाहता था, लेकिन खंदक की जंग भी आपने फतह की और जंगे खैबर भी आपने फतह की। जंगे खंदक में 10,000 दुश्मन और जंगे खैबर में 10,000, 10 और 10 कितने हो गए, 20। 40,000 रूमियों का वो लश्कर जो मदीना की ईंट से ईंट बजाने आया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह को निकालने के लिए आया था, खाने काबा को उखाड़ फेंकना चाहता था, और मोहम्मद रसूलुल्लाह इनके मुकाबले में चंद हजार लोगों को लेके जब निकलते हैं, इनका रौब और दबदबा जब उन रूमियों के दिलों में बैठा तो 40,000 का लश्कर तितर बितर हो जाता है। तो 40,000 रूमियों का वो दुश्मन जो मोहम्मद और मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा को मिटाने के लिए मदीना में घुस गया था, आना चाहता था और मदीना की ईंट से ईंट बजाना चाहता था, लेकिन इसको शिकस्त होती है और भाग जाते हैं 40,000 ये, और उधर कितने, 20। 40 और 20 कितने हुए, 60,000 दुश्मन तो ये गिनती के हो गए। अब 90 और देखिए, ग़ज़वे तबूक के मौके पर सारे सहाबा चले गए जंग करने के लिए, इस शर्त पे कुछ लोग रह रहे थे अल्लाह के नबी के साथ यहूदी, कि आप पर कोई हमला करेगा तो हम आपका की मदद करेंगे, हम पर कोई हमला करेगा तो आप हमारी मदद कीजिएगा। लेकिन जब दुश्मनों की तादाद देखी तो ये यहूदी पलट गए और उन्हीं का साथ देने लगे दुश्मनों का। उनकी तादाद थी 80, 13 मुनाफिक थे, 13 मुनाफिक थे जो इस्लाम कबूल किए हुए थे लेकिन दिल से मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ नहीं थे। तो 80 और 13 कितने हो गए, 93। लेकिन इन 93 में से 3 ने सच्ची तौबा कर ली थी, पक्की और सच्ची तौबा कर ली थी। उन्हीं तौबा करने वालों में काब इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला ने भी शामिल हैं, जिन्होंने पक्की सच्ची तौबा की और अल्लाह ताला ने माफ कर दिया था और अल्लाह के रसूल को हुक्म दिया था कि मैंने इन तीनों को माफ कर दिया, उनमें काब इब्ने मालिक भी शामिल हैं। तो 93 में 3 की तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली, ये अल्लाह के नबी के साथ आ गए। तो अब कितने बच्चे, 93 में से 3 को माइनस कर दीजिए, 90। 60,000 उधर, इधर कितने हुए, 90। ये गिनती किसकी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मनों की। और इसको कौन कह रहा है, अथर्ववेद का 20वां कांड और 127वां सूक्त का पहला मंत्र। हम षष्टिम सहस्त्रानवीतम, हम उस मुहाजिर को, कौरम कहते हैं अपना मुल्क, अपना देश, अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर की तरफ जाने वाले मुहाजिर को, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के रसूल मक्के के दुश्मनों से परेशान जब हो गए तो आपने मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत की, आप भी मुहाजिर थे, तो ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ, यानी हम उस मुहाजिर को और जिसकी बहुत प्रशंसा की जाएगी, यानी मोहम्मद को, निराशंस को, 60,090 दुश्मनों से हम उसकी हिफाजत करेंगे, यानी 60,090 दुश्मन मिलकर भी उसका एक रोंगटा भी नहीं उखाड़ पाएंगे, उसका एक बाल भी खत्म नहीं कर पाएंगे, उसके जिस्म के एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। हम उस निराशंस को, हम उस मोहम्मद को 60,090 दुश्मनों से उसकी हिफाजत करेंगे। ये मंत्र किसके बारे में उतर रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। वरना हिंदू भाई बताएं, आज भी तो हिंदुओं में बहुत बड़े बड़े पंडित मौजूद हैं, वो बताएं कि 60,090 दुश्मन किसके हैं, जरा बताएं, अपने ही धर्म के किसी कोई बताए कि 60,090 दुश्मन किसके हैं। और इसके आगे वाले मंत्र ने तो और
स्पष्ट कर दिया। उष्ट्रायस्य परवाहिरो बधुमंतो द्युदश, ये उसी के बाद दूसरा मंत्र है। वो ऊंट की सवारी करेगा, उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी, यानी वो उस देश के अंदर पैदा होगा जहां ऊंटों का चलन होगा। लीजिए, ऊंटों का चलन रेगिस्तान में है, ऊंटों का चलन अरब के अंदर था। उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी, जिसका मान सम्मान आकाश की बुलंदी को छुएगा। बधु मंतो द्यु दशा, द्यु मानी दो, दशा मानी दस संस्कृत में, द्यु दशा, द्यु दो, दशा दस, दो और दस कितने हुए 12। उसकी दो और 10 बधु मंतो पत्नियां होंगी। इसमें कितनी चीजें बताई गई, वो कहां पैदा होगा जहां ऊंटों का चलन होगा, और उसकी प्यारी सवारी क्या होगी, फॉर्चूनर नहीं होगी, स्कॉर्पियो नहीं होगी, इनोवा नहीं होगी, उसकी प्यारी सवारी क्या होगी, ऊंटनी, यानी वो ऊंट का सफर करेगा, ऊंट पर बैठेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाकायदा ऊंटों पर बैठा करते थे, बल्कि आपने जिंदगी का आखिरी खुतबा जो हज्जतुल विदा के मैदान में दिया था, अराफात के मैदान में, वो भी एक ऊंटनी के ऊपर बैठ कर दिया था, और उस ऊंटनी का नाम था कसवा ऊंटनी था, कसवा, उस कसवा नामी ऊंटनी के ऊपर अल्लाह के नबी ने बैठ कर हज्जतुल विदा का खुतबा दिया था। आपने कहा ऊंटनी पर कजाबा कस दो, ऊंटनी को लाया गया, उस ऊंटनी के ऊपर आप बैठ गए, और उस पर बैठ कर आपने लोगों को खुतबा दिया। तो आप तो ऊंटनी का सफर किया करते थे, ऊंटनी पर बैठा करते थे, ये अगरचे घोड़े पर भी बैठे हैं, खच्चर पर भी बैठे हैं, और आपने गधे की सवारी भी की है। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊदुल मरीज व यशहदुल जनाजा व यरकबुल हिमार व युजीबु दावतल अब्द। ये खूबियां थी मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर कि आप मरीज की आयादत करते थे, मरीज चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, आप सबको देखने जाया करते थे। वह यशहदुल जनाजा, आप जनाजे में शिरकत करते थे, मरने वाला कोई भी हो आप उसके जनाजे में भी जाया करते थे। वह यरकबुल हिमार, आप गधे पर भी सवारी कर लिया करते थे, और गधे पर बैठने में भी शर्म महसूस नहीं करते थे, आप गधे की सवारी भी कर लिया करते थे। और वह युजीबु दावतल अब्द, और मामूली गुलाम की दावत भी कबूल कर लेते थे, उसके घर जाकर उसकी चटाई पर बैठकर उसके साथ खाना खाने में भी आपको शर्म महसूस नहीं होती थी। मेरे भाइयों, ये खूबियां थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर। बुखारी शरीफ के अंदर ये आया है कि अल्लाह के रसूल के अंदर ये खूबियां मौजूद थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऊंटनी की सवारी महबूब सवारी थी नबी की। और ऊंट कहां पाए जाते हैं, रेगिस्तान में, मैंने मतलब वो कहां पैदा होंगे, अरब के अंदर। और तीसरी चीज, उनकी पत्नियां कितनी होंगी, 2 और 10, कितनी हो गई 12। 12 बीवी वाला ढूंढ ढूंढ के मर जाएं सब लोग, कोई नहीं मिलेगा, 12 बीवी वाला सिर्फ एक ही मिलेगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे थापा जी बैठे हैं, पूछिए कृष्ण जीसस की, ईसा अलैहिस्सलाम की कोई पत्नी थी, नहीं थी। बाइबल के आधार पर उनको सूली दे दी गई, तख्ते पे ले जाकर लटका कर उनको खत्म कर दिया गया, लेकिन हमारे कुरान के मुताबिक उनको सूली नहीं दी गई। जब उनके दुश्मनों ने उनको सूली पर लटकाना चाहा, तो अल्लाह ताला ने उनकी शक्ल के किसी दूसरे शख्स को वहां पर पेश कर दिया, और ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया। वो क़ुर्ब क़यामत आएंगे, दोबारा आएंगे, काने दज्जाल को खत्म करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे, ये क़ुर्ब क़यामत उनकी निशानी बताई गई है। और हमारा मजहब जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत और एहतराम करने का हुक्म देता है, उसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम जीसस की इज्जत और एहतराम का भी हुक्म देता है, क्योंकि वो भी हमारे नबी थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हमारे नबी थे। इस्लाम सारे नबियों को के ऊपर ईमान लाने को ज़रूरी करार देता है। अगर हम मोहम्मद को मानते हैं, ईसा को नहीं मानते हैं, तो हम मुसलमान नहीं हो सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमारे मजहब के अंदर मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है, अगर आप मोहम्मद
محمد کو نبی مانتے ہیں تو عیسیٰ کو بھی آپ کو نبی ماننا پڑے گا، موسیٰ کو بھی پیغمبر ماننا پڑے گا، اور جتنے نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان تمام نبیوں پر ایمان لانا پڑے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی اسلام کی اساس ہے۔ وہ تفریق بین المذاہب نہیں چاہتا ہے، وہ دنیا کے تمام مذہبوں کے درمیان نفرت نہیں چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اچھی چیز تمہیں جہاں سے ملے لے لو۔ اگر اچھی چیز ہندو دھرم سے مل رہی ہے تو لے لو، عیسائی مذہب سے مل رہی ہے تو لے لو، عیسائیت سے مل رہی ہے تو لے لو، جین دھرم سے مل رہی ہے تو لے لو، اچھی چیز جہاں سے ملے وہاں سے لے لو۔ اچھی چیز تمہاری کھوئی ہوئی امانت ہے، اور اچھی چیز کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہوتی ہے، اچھی چیز سب کے لیے ہوتی ہے۔ اچھی چیز تمہیں جہاں سے ملے اس کو لے لو۔ ہر مذہب کے اندر کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، آپ کو لے لیجئے، قرآن اس کے منع نہیں کرتا ہے، اسلام اس سے نہیں روکتا ہے۔ وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شادی نہیں کیے، اور آ جائیے سلیمان علیہ السلام، ان کی 99 بیویوں کا ذکر حدیث میں ملتا ہے۔ کتنی بیویاں تھیں؟ 99۔ داؤد علیہ السلام کے پاس کتنی بیویاں تھیں؟ 1000۔ 99 والے ہیں، 1000 بیویوں والے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیویوں کا ذکر ملتا ہے، سارا اور ہاجرہ، بعض روایتوں میں 3 کا بھی ملتا ہے کہ ان کی 3 بیویاں تھیں۔ چلیے 2 مانو یا 3 مانو، 2 اور 3 بیوی والا ذکر ملتا ہے۔ رام چندر جی کے پاس 1 پتنی تھی سیتا، لیکن رام کے پتا راجہ دشرت کے پاس 3 پتنیاں تھیں۔ رام کے پتا راجہ دشرت کے پاس 3 پتنیاں تھیں، 3۔ اور آپ منوسمرتی پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے کہ راجہ بہت سی پتنیاں رکھتا تھا، اور لکھا ہے کہ راجہ اپنی پتنیوں کو لے کر جب جنگل میں سیر کے لیے نکلے، پتنی نہیں لکھا، پتنیوں جمع کا صیغہ، راجہ جب اپنی پتنیوں کو لے کر نکلے، پتنیوں یعنی ایک راجہ کئی کئی پتنی رکھتا تھا۔ اور ہمارے نوابوں کا دور اٹھا کر دیکھ لو، لکھنؤ کے نواب اور فلاں نواب، تو ایک نواب کے پاس 300 بیویاں بھی موجود تھیں۔ آج بھی لکھنؤ میں چلے جائیے آپ، بھول بھلیا چلے جائیے آپ، وہاں پر آپ کو بتائے گا گارڈ کہ یہاں اس کی 300 بیوی رہتی تھیں، فلاں نواب کی 300 بیوی۔ تو 300 والے بہت ملیں گے۔ سب سے زیادہ اگر کہیں ملتا ہے ذکر، سب سے زیادہ اگر کسی نے بازی ماری ہے تو وہ تھے کرشن کنہیا جی، جن کے بارے میں مہابھارت میں لکھا ہے 16108، 16000، 1-2 نہیں، کتنی تھیں؟ 16108۔ وہ بھی پتنیاں نہیں ہیں، گوپیاں لکھا ہوا ہے، چاروں طرف گوپیاں، بیچ میں کنہیا، بانسری بجاتے تھے، بانسری میں اتنی سریلی میٹھا پن تھا کہ سب مر جاتی تھیں۔ وہ 16108 جو بنی وہ بانسری میں ہی مری ہیں، بانسری بجاتے تھے اور سریلی آواز سن کر ان کے پاس بیٹھ جاتی تھی، وہ ان کی گوپیاں تھیں۔ کتنی ہیں؟ 16108۔ لیکن مسئلہ نہ 16000 کا ہے، مسئلہ نہ 2-3 کا ہے، مسئلہ نہ 99 کا ہے، نہ 1000 کا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ 12 بیوی والا آخری نبی ہوگا، انتم رشی وہ ہوگا جس کی 12 بیویاں ہوں گی۔ تو 12 بیوی یعنی 11 تو بیویاں اور ایک لونڈی، ایک باندی، مقوقس کے بادشاہ نے، ملک شام کے بادشاہ نے جو 2 لڑکیاں تحفے میں بھیجی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کے طور پر دی تھیں، ایک کا نام تھا سیرین اور ایک کا نام تھا ماریا، تو اللہ کے رسول نے ایک کو ایکسیپٹ کر لیا تھا ماریا کو، اور سیرین جو تھی وہ حضرت حسان ابن ثابت کو دے دیا، ان کو آپ رکھو، اور ماریا کو آپ نے اپنے پاس رکھ لیا۔ ماریا سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا اللہ کے نبی کا جس کا نام تھا ابراہیم، ایک بیٹا بھی پیدا ہوا۔ تو 11 بیوی ایک لونڈی، 12 پتنیوں والا، چونکہ لونڈی سے بھی بیوی والا کام لیا جا سکتا ہے اس لیے ان کو بھی ہم بیوی میں شامل کر رہے ہیں۔ تو 11 پتنی ایک لونڈی، تو کیا ہوا؟ 12 بیویوں والا اگر کوئی ملتا ہے اور کوئی دکھائی دیتا ہے ہندو دھرم کی کتاب کے مطابق، تو وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔